सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या कंडीशंस लिखी हुई है जिससे पार्टनर्स के डिस्प्यूट वहां पे ही सॉल्व हो जाते हैं. सी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, डिस्प्यूट हुआ तो पहले एग्रीमेंट, फिर मेरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आएगा. फटाफट पहले मैं लिख देता हूं, इफ डिस्प्यूट, अगर कोई पार्टनर्स में डिस्प्यूट हुआ तो पहला स्टेप होता है एग्रीमेंट, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और उसके बाद स्टेप होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके बाद स्टेप होता है कोर्ट में जाना. डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स में, पहले एग्रीमेंट रेफर करेंगे, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, देन वी विल गो टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड देन वी विल गो टू द कोर्ट. वी कैनॉट डायरेक्टली जंप टू द कोर्ट, वी कैनॉट डायरेक्टली जंप टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सी, इस कंडीशन बताने के पहले मुझे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी. सी आई एम प्रिपेयरिंग अ टेबल ओवर हियर, पर्टिकुलर क्लियर. इफ मेंशन इन एग्रीमेंट इफ एग्रीमेंट इफ साइलेंट, मतलब एग्रीमेंट साइलेंट है, मतलब एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, या फिर इफ देयर इज नो एग्रीमेंट. भाई एग्रीमेंट होना कोई कंपल्सरी तो नहीं है पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तब हम क्या करेंगे दोनों, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई कंडीशन, कोई डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, इन दोनों के केस के अंदर वी विल फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. मतलब अगर एग्रीमेंट है ही नहीं या एग्रीमेंट में कुछ चीज लिखी भी नहीं है, अगर दोनों केस, अगर मैं दोनों के केस के अंदर, वी विल फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा आपका. ओके, पहला एग्जांपल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं आपको इसका एग्जांपल पहले ही मैंने आपको समझा दिया था. क्या बताया था, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होगा तो वैसे डिवाइड होगा, तो मतलब मैंने क्या लिख दिया, एज पर एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में जो लिख दिया, देखो पहला तो मैं आपको बता चुका हूं ये डिस्प्यूट का, ठीक है. दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आपको एग्रीमेंट हैव टू बी फॉलोड, मतलब एग्रीमेंट तो मुझे फॉलो करना है, ये दो बातें कभी मत भूलना. तीसरी बात मैं आपको बताना, आपको मैंने बताया था पार्टनर्स का जो खर्चा होता है, पार्टनर एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपको मैं बता चुका हूं. बट इफ पार्टनर एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये मैं आपको चार चीजें बता चुका हूं. एक, अगर डिस्प्यूट हो तो पहले एग्रीमेंट में जाएंगे, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे, फिर हम कोर्ट में जाएंगे. दूसरा, एग्रीमेंट को फॉलो करना ही है, एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फाइनल है. तीसरा, पार्टनर्स एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी पार्टनर के खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या फिर इनकम होती है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा. बट अगर पार्टनर का एक्सपेंस चार्ज है तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपको चारों बातें याद करना कंपल्सरी है, क्लियर है. ओके, नाउ मैंने आपको क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एस पर एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा. एग्जांपल बता रहा हूं, मैं एग्जांपल यहीं ले रहा हूं. सपोज करो, मैं यहां बता देता हूं,
चलो सपोज करो ए और बी, मैंने अभी आपको समझाया था, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ए और बी का जो रेशियो है वो क्या ले, अगर रेशियो है 2:1 और अगर प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, ए को मिलेगा 2 लाख और बी को मिलेगा 1 लाख। ये मैं आपको समझा दिया भाई, अगर ए और बी है और अगर प्रॉफिट हुआ 2:1, नहीं प्रॉफिट हुआ 3 लाख और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है भाई 2:1 में लिखेगा तो 2:1 में लिखेगा, ओके। और अगर प्रॉफिट में लिखा हुआ है कि भैया 3:1 में बटेगा, 3:1 में बटेगा, तो इसको 225,000 मिलेगा, इसको 75,000 मिलेगा। सर कैसे किया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 75,000 इसको 225, भाई जो एग्रीमेंट में लिख दिया वो मैं फॉलो करूंगा। इसका कोई मतलब नहीं है कि ए ने ज्यादा कैपिटल डाला, बी ने ज्यादा कैपिटल डाला, इररेलेवेंट है। व्हाट इज रेलेवेंट इज दैट एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होगा तो ऐसे ही डिवाइड होगा, भले ही ए ने कम डाला हो कैपिटल, कुछ मैटर नहीं करता। इस केस में अगर मैं आपको बोलूं ए ने सिर्फ कैपिटल डाला था 2 लाख रुपए और बी ने डाला 10 लाख रुपए कैपिटल, भाई ए ने 2 लाख ही बिजनेस में इन्वेस्ट किए और बी ने 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो क्या बी को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? नहीं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 3:1 तो 3:1 ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट सबने साइन किया हुआ है। पर अगर साइलेंट है, अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा, या फिर उन दोनों ने एग्रीमेंट नहीं किया, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एग्रीमेंट नहीं किया और अगर नहीं साइलेंट है तो इक्वल डिवाइड होगा, 150 और 150 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर एफ पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लिखा हुआ नहीं कितने में डिवाइड होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर इक्वल द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इक्वल अमॉन्ग पार्टनर्स। क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? दैट इज प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। 3 पार्टनर होंगे तो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगा, अगर 3 लाख का प्रॉफिट आया तो एक ए बी सी 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलेगा, 2 पार्टनर तो 1.5 मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल। क्वेश्चन में आ गया ए ने ज्यादा कैपिटल डाला तो ए को ज्यादा मिलना चाहिए, नहीं डिस्प्यूट हो गया, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ, चुपचाप इक्वल डिवाइड करोगे। एग्रीमेंट में होता कि ए को ज्यादा मिलेगा तो होता, पर सिर्फ एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है, तभी तो हम यहां पे मूव किया, यहां पे लिखा हुआ है प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, क्या कैपिटल ज्यादा डालियो या कम डालियो। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसको रब कर लूं मैं, लिख दो अपने रेफरेंस के लिए, लिख दो, लिख दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है भाई? अगर ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, सपोज करो 5 लाख, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख इन्वेस्ट किया और बी ने इन्वेस्ट किया सपोज करो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब है ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो ए ने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए तो ए बोल रहा है मुझे उसके लिए ब्याज भी चाहिए, मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। किसको बोल रहा है? पार्टनरशिप फर्म को बोल रहा है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक ओनली फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनरशिप फर्म ओनली। तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए खर्चा हुआ या इनकम हुई? भाई मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरे 2 पार्टनर है ए और बी, और ए ने 5 लाख डाले, बी ने 10 लाख रुपए डाले, अब मुझे उनको इंटरेस्ट देना है। तो अगर मुझे उनको इंटरेस्ट देना है, सपोज करो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, लिखा हुआ है 10% पर एनम, मतलब मैं उनको 10% पूरे साल के दूंगा। इसका मतलब है ए को मैं दूंगा, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मैं दूंगा 50,000 रुपये और बी को दूंगा मैं 1 लाख रुपये, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे बिजनेस पैसा डाला, तो बट ऑब्वियस मैं उनको कुछ इंटरेस्ट दूंगा। क्लियर है? नाउ मेरा जो क्वेश्चन है, अगर इफ मेंशन इन एग्रीमेंट
एग्रीमेंट में जो लिख दिया इट हैज टू बी फॉलोड, हमेशा ध्यान रखना। ये अगर आपको आ गया तो आपको ये सब की भी रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए, ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा आपको एग्रीमेंट को फॉलो करना ही है। तो अगर मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया तो मैं क्या बोलूंगा, एज पर एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गई है, इट हैज टू बी फॉलोड इररेस्पेक्टिव। मतलब एग्रीमेंट इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट में लिख दिया मिलेगा तो मिलेगा, पर अगर एग्रीमेंट में लिखा कुछ नहीं लिखा हुआ, साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ए ने डाले बिजनेस में 5 लाख रुपए और एग्रीमेंट में लिखना ही भूल गया इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा साल खत्म हो गया, बिजनेस ऑपरेट कर रहा था, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरे 2 पार्टनर है, ए पार्टनर बी पार्टनर, ए ने 5 लाख डाले, बी ने 10 लाख रुपए डाले, पूरा साल खत्म हो गया और साल खत्म होने के बाद ए बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बी बोलता है मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, मेरी एक अलग एंटिटी अकाउंट्स के एंगल से, तो क्या मैं उनको इंटरेस्ट दूंगा क्या? सबसे पहले मैं देखूंगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में सर कुछ नहीं लिखा हुआ, ओहो सर कुछ नहीं लिखा तो मैं क्या करूं, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो मैं नहीं दूंगा। पार्टनरशिप एक्ट में जाऊंगा, मैं पार्टनरशिप एक्ट में जाऊंगा और पार्टनरशिप एक्ट देखूंगा क्या पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, क्या फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो आप यहां मूव करो, यहां पे लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्लियर है? तो पहला मेरा ये प्रेफरेंस है, फिर ये प्रेफरेंस है, यहां पे साइलेंट है कुछ नहीं लिखा हुआ तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए या फर्म को 10 करोड़ का भी प्रॉफिट हो जाए तो भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? अगर ऐसा ही था तो आप एग्रीमेंट में लिखते, अगर ए को इंटरेस्ट और बी को इंटरेस्ट चाहिए था तो एग्रीमेंट में लिखते, नहीं लिखा आपकी गलती तो आप भुगतो, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ, डिस्प्यूट हुआ ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इतना ही था तो आप एग्रीमेंट में लिख देते, क्लियर है? बट एक बात बात बता रहा हूं, यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाना चाहिए, जरा सोच के बताओ। इसके लिए मैं आपको 2 केस बताता हूं। सी, केस नंबर 1, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% पर एनम, बस यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि भाई आपको 10% पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई एग्रीमेंट तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% पर एनम। मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी खर्चा अगर पार्टनर का खर्चा होगा तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहां पे लिखा ना पार्टनर एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या ये पार्टनर को दे रहा हूं या मैं आउटसाइडर्स को दे रहा हूं, बट ऑब्वियस कैपिटल तो मैं इनसाइडर्स को ही देता हूं, पार्टनर्स को ही देता हूं, तो ये जो मैं उसको जो पार्टनर को जो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं ये कहां जाएगा मुझे बताओ, ये कहां जाएगा? सर बहुत सिंपल है, ये इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये खर्चा पार्टनर का है। वेरी गुड, तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, सिंपल लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% पर एनम, ये एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ 10% पर एनम, तो एक बात बताओ कि ये क्या होगा, ये चार्ज होगा या चार्ज नहीं होगा, ये भी तो मालूम करना है भाई। पार्टनर का खर्चा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, पर अगर वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा, वो कैसे मालूम चलेगा कि सर ये लॉस के केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई पार्टनर को बोला हुआ है मैंने इंटरेस्ट है, तो कंपनी को अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। भाई सपोज करो क्या लिखा हुआ है, 10% लिखा हुआ है, 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो ए को अगर बहुत सारा प्रॉफिट, सपोज करो फर्म को प्रॉफिट हो गया 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, तो क्या कितना मिलेगा भाई ए को, सर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ए को मिलेगा 50,000 रुपये और बी को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपये, दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा भाई, ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा 50,000 रुपये इसको और 1 लाख रुपये इसको, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो
तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है और सिंपल लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रॉफिट के केस में मिलेगा, लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन साइलेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ध्यान रखना ये इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये अगर लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। कंफ्यूज हो गए? वापिस समझाता हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट अ रेट ऑफ 10% और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये चार्ज है, मतलब लॉस के केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना इट विल बी गिवन ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। मतलब सिर्फ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा तो वो प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये हम हमेशा एज्यूम करते हैं। ये एक्ट नहीं बोल रहा है, ये इम्प्लाइड है। मतलब 10% पर एनम मिलेगा इंटरेस्ट, बट प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मतलब अगर फर्म को लॉस हो गया, सपोज करो फर्म को लॉस हो गया, यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो फर्म को लॉस हो गया, 20 लाख का लॉस हो गया, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, बस यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा तो वो चार्ज हुआ या फिर अप्रोप्रिएशन हुआ? भाई खर्चा पार्टनर का है, तो ये आपको भी मालूम करना है कि इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले तो आपको क्लियर हो गया, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर खर्चा है। बट मैंने कहा था अगर ये खर्चा चार्ज होता है ना, तो इट विल नॉट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, सिंपल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा। मतलब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉफिट अगर कंपनी को या फर्म पार्टनरशिप फर्म को हुआ तो मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। क्लियर है? अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी हम जब इसको एग्जांपल्स करेंगे तो आपको एकदम एकदम ये जो कंसेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, केस नंबर टू। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया 10% इंटरेस्ट पर एनम टू बी गिवन इवन इफ देयर इज लॉस, या फिर लिख दिया 10%, या तो ये लैंग्वेज लिख दी, कुछ भी लैंग्वेज लिख दी, पर उसमें ये लिख दिया इफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दोनों के केस के अंदर अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो मैं क्या करूंगा? अरे अगर लिख दिया ना चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब है इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी खर्चा मैंने आपको बता चुका हूं चार्ज बन गया, कोई भी खर्चा अगर वो चार्ज बन गया तो इट विल ऑलवेज ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा चार्ज के लिए आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, जो चार्ज एक्सपेंस नहीं है वो नहीं आता, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर के खर्चे जाएंगे। क्लियर है? तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, पार्टनर का खर्चा है। अगर खर्चा आउटसाइडर्स का होता ना, अगर मान लो ये मैंने बैंक से लोन लिया होता
तो मतलब ही नहीं है, बैंक का लोन तो मुझे पे करना ही करना है, किसी भी हाथ में इंटरेस्ट पे करना, तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही जाएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ पार्टनर्स के खर्चे जाते हैं। पर अब यहाँ पे कन्फ्यूजन यहाँ पे आ गया कि सिंपल लिखा हुआ है 10% पर एनम, तो वो कहाँ जाएगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम करेंगे ये प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा, तो वो चार्ज नहीं हुआ, और जो एक्सपेंस चार्ज नहीं होते वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही जाते हैं। बट यहाँ पे अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि इंटरेस्ट टू बी गिवन इवन इफ देयर इज अ लॉस, लिख दिया या लिख दिया चार्ज, इसका मतलब है ये प्रॉफिट और लॉस और दोनों केस में इंटरेस्ट तो पार्टनर्स को मिलेगा, तो फर्म को लॉस होगा 20 लाख का तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है एग्रीमेंट में लॉस के केस में भी। तो बताइए ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात समझ में आई, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात समझ में आई। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोलता है? इक्वल बटेगा अगर साइलेंट है तो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। पर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एज पर द एग्रीमेंट मिलेगा। इसका मतलब है 10% पर एनम लिखा हुआ है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, चार्ज है नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे वो चार्ज नहीं है, प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा, तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो यही तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट अगर वो चार्ज बन गया, लिखा हुआ है और खर्चा पार्टनर का है, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सैलरी पार्ट। अगर पार्टनर को मैं सैलरी देता हूं तो मैं क्या, नाउ इन केस ऑफ सैलरी एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं और सैलरी टू पार्टनर, और अगर मैंने पार्टनर्स को कोई कमीशन दिया, कमीशन के बारे में, भाई पार्टनर कभी कभी कमीशन मांगता है प्रॉफिट के अंदर, भाई मैंने ये प्रॉफिट अर्न करके दिया, मुझे कमीशन भी दो मुझे, तो अगर पार्टनर को सैलरी मिलती है, कमीशन टू पार्टनर है, कोई डिस्प्यूट हुआ, सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, और ए को ए बोल रहा है और उन्होंने कंपनी एक फर्म बनाई ए बी एंड सन्स, और ए बोल रहा है भाई मुझे पूरे साल भर के बाद, ए बोलता है भाई मुझे सैलरी भी चाहिए। कितनी सैलरी चाहिए? 10,000 रुपीज पर मंथ चाहिए, सपोज करो एक महीने की 10,000 रुपये चाहिए, क्या उसको सैलरी मिलेगी? बस ये कैसे डिफाइड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंसेप्ट है वही, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया तो मिलेगी। मैंने आपको क्या कहा था, एग्रीमेंट सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है, एक्ट सेकंड नंबर पे आएगा, तो एग्रीमेंट में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्रीमेंट में लिख दिया, वेरी गुड, अगर एग्रीमेंट में लिख दिया तो एज पर एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो नो सैलरी टू बी गिवन टू पार्टनर। ये मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, ये सारे जो खर्चे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये पार्टनर्स से रिलेटेड है। आउटसाइडर्स को तो मिलनी है सैलरी, ऐसा तो नहीं कि एग्रीमेंट में लिख दिया कि आउटसाइडर्स को नहीं मिलेगी। मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बना दी एक, और दो पार्टनर्स मेरे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड पार्टनर्स है, मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, और मैंने एक कोई पियोन हायर किया, और मैंने उसको बोला एग्रीमेंट में, और उसको मैंने सैलरी नहीं दी, और मैंने बोल दिया मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया देखो सैलरी नहीं दूंगा। अरे भाई, एग्रीमेंट रेफर होता है सिर्फ पार्टनर्स के बीच में, दूसरों के बीच में नहीं होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है। तो अगर मैंने कोई आउटसाइडर्स को सैलरी तो मुझे देनी पड़ेगी, क्या कुछ भी लिख दूं एग्रीमेंट में, आउटसाइडर्स को तो सैलरी आई हैव टू बी गिवन। यहां पे मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, पार्टनर को सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। क्या कमीशन मिलेगा? अरे भाई कुछ नहीं मिलेगा, नो कमीशन टू बी गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, किसी और को मिल सकता है पर पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई पर्सन पार्टनर है तो ए और बी पार्टनर है तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ हो। पर सर अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो एज पर द एग्रीमेंट, सर वो कैसे, ये वाला भी बताओ हमें। ओके, केस नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने केस लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब लिखो केस नंबर, इसी के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं, मैं पहले सैलरी का एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज करो लिखा हुआ है ए टू बी पार्टनर, ए टू बी गिवन
₹10,000 पर मंथ सैलरी। अब बताओ क्या वो ए को सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी? सर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है मिलेगी, और एक बात ध्यान रखना ए को ही मिलेगी, बी को नहीं मिलेगी। क्यों सर? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ए को। अभी देखो आप सिंपल सोचो, दो मेरे पार्टनर है ए और बी, और मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया ए को सैलरी मिलेगी ₹10,000 पर मंथ, ए को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट जबरदस्त हो गया मेरे फर्म को। तो बी बोला अरे मुझे भी दो ना सैलरी, ए को तो मिल रही है सैलरी बिकॉज एग्रीमेंट में लिख दिया। मैंने आपको क्या कहा था, एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फाइनल, उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ओके तो फिर एग्रीमेंट में ए को लिखा हुआ है तो ए को तो मिलेगी सैलरी, ओके फाइनल, प्रॉफिट जबरदस्त हुआ। फिर बी भी बोल रहा है कि मुझे भी तो दो सैलरी, मैंने भी तो काम किया, ए को क्यों मिलेगी? दोनों में डिस्प्यूट हुआ। ए ने कहा तेरे को नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। बी ने कहा मुझे भी मिलनी चाहिए। डिस्प्यूट हुआ, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, एग्रीमेंट ए के लिए तो लिखा हुआ है, बी के लिए साइलेंट है, बिकॉज ए के लिए तो लिखा हुआ सैलरी मिलेगी, बी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ। तो बी क्या करेगा, अगले स्टेप पे बढ़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। तो बी के केस में एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं था तो बी को सैलरी नहीं मिलेगी। देखो सॉल्व हो गया डिस्प्यूट, मतलब ए को मिलेगी सैलरी बी को नहीं मिलेगी। हाँ भाई सही, गलत है। अरे गलत क्यों है, एग्रीमेंट में ए और बी दोनों ने साइन किया है, ऐसा तो नहीं कि बी ने आग बंद करके साइन कर लिया, ए और बी दोनों ने साइन किया है। तो 100% है कि दोनों ने ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा। अगर उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है तो कोई ऑब्जेक्शन था तो उस टाइम रेस करते, अभी कोई ऑब्जेक्शन क्या हो गया? अब बी बोल रहा है मुझे सैलरी दो, अरे नहीं मिलेगी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ। हाँ अगर लिखा होता तो मिलती, नहीं लिखा हुआ एक्ट में आ जाओ, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगी, लिखा हुआ है तो मिलेगी, ये बात तो श्योर है। बट सर अगर फर्म को लॉस हुआ तो मिलेगी क्या? ए को, बी का तो भूल जाओ, अब मैं एक ही बात कर रहा हूं, ए को लिखा हुआ है सैलरी मिलेगी, सर लॉस से कैसे मिलेगी क्या? क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने आपको क्या कहा था, इट विल बी गिवन ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो ही मिलेगी, और अगर प्रॉफिट होता तो ही मिलती, तो वो क्या हो जाता है, एप्रोप्रिएशन हो जाता है, और एप्रोप्रिएशन वाले आइटम कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही जाएगा। मतलब सैलरी तभी मिलेगी जब वो प्रॉफिट होगा, उसको फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगी, लॉस केस के अंदर नहीं मिलेगी। अच्छा और अगर सर एग्रीमेंट में लिख दिया लॉस के केस में भी मिलेगी पार्टनर को सैलरी, मैं पार्टनर्स की बात कर रहा हूं माइंडेड, हाँ तो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी लॉस के केस में, एग्रीमेंट में लिख दिया गिवन इवन इफ देयर इज अ लॉ 10% पर एनम, या मैं चेंज करता हूं, ए टू बी गिवन 10,000 पर मंथ सैलरी, इवन इफ देयर इज अ लॉस पर मंथ, लिख दिया लॉस हो और प्रॉफिट हो दोनों केस में मिलेगी, इसका मतलब है वो बन गया चार्ज बन गया, बिकॉज प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में मुझे पे करना तो चार्ज बन गया, तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या फिर लिख दिया कि सैलरी टू बी सैलरी इज अ चार्ज, सिंपल लिख दिया सैलरी टू ए इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उतनी मिलेगी। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों कैसे मिलेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? यही कंसेप्ट सेम कमीशन के लिए है, कमीशन टू बी गिवन टू दिस, ए को कमीशन मिलेगा अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो मिलेगा, नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में साइलेंट है कि लिखा हुआ है मिलेगा पर ये नहीं लिखा प्रॉफिट या लॉस में मिलेगा, तो वो बन गया मेरा एप्रोप्रिएशन, बन गया एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया कि कमीशन कुछ भी हो जाए मिलेगा ही मिलेगा, तो इसका मतलब है कि वो उसको मिलेगा, उसका मतलब है वो बन गया चार्ज, और चार्ज का आइटम जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर है? तो मैंने आपको अभी समझाया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, बताया कि वो इक्वल होगा। दूसरा मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में क्या होगा, ये तीनों का सेम ही पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, सबमिशन टू पार्टनर, ये सब मैं बातें बता किसकी कर रहा हूं, मैं पार्टनर्स की बातें कर रहा हूं। सैलरी टू द एक्स वाई जेड पर्सन, सैलरी टू विजय, सैलरी टू हेमंत, सैलरी टू नेहा, इन सबको सैलरी तो मिलनी है, क्या एग्रीमेंट कुछ भी लिख दो उनको, तो वो तो आउटसाइडर्स है, एग्रीमेंट तो पार्टनर्स के बीच में होता है ना। क्लियर है? पहले ये लिखो, फिर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर मैं कवर करूंगा। लिखो पहले ये। Hi everyone, this is C. Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा students को ये video दिखाए, and yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video.
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग. बिफोर मूविंग मैं इसको रब कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी तो इसको मैं रब कर रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सी, ड्राइंग का मतलब तो आपको पता ही है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था. ड्राइंग का मतलब होता है जब कोई पार्टनर या जो ओनर होता है वो अपना कोई पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा बिजनेस का विड्रॉ करेगा तो वो जाएगी ड्राइंग हो जाएगी. क्लियर है? मतलब अगर सपोज करो मेरा बिजनेस फर्नीचर का है, ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका बिजनेस फर्नीचर का है और ए अपनी दुकान का ही फर्नीचर अपने घर में यूज करता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? ड्राइंग्स बोलता हूँ. ड्राइंग्स कैन बी इन द कैश और इट कैन बी ऑन द गुड्स ऑल्सो. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज करो ए और बी दो पर्सन है, दो पार्टनर है, उन्होंने बिजनेस चालू किया और वो बिजनेस से उन्होंने क्या किया, लेट सपोज उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस चालू किया. नाउ ए के खुद के घर में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट आ गई तो ए ने क्या वो दुकान से, अपनी दुकान से खरीदेगा या फिर किसी और से खरीदेगा? बट ऑब्वियस अगर मेरे को खुद ही रिक्वायरमेंट आ गई है ए को तो वो अपनी दुकान से लेगा. तो अपनी दुकान से जो भी वो चीज लेके जाता है अपने प्राइवेट यूज के लिए, बिकॉज वो अपने घर के लिए लेके गया है, तो उसको मैं बोलता हूँ ड्राइंग. अगर सपोज करो ए को 2 लाख रुपए कैश चाहिए, अर्जेंट नीड आ गई, उसको मेडिकल नीड आ गई, अपने अर्जेंट कैश, उसका बेटा बीमार है लेट सपोज, तो वो 2 लाख रुपए वो कैश कहां से लाएगा? अपने सेविंग अकाउंट से, उसके पास पैसे ही नहीं थे. तो ए ने क्या बोला, अपनी पार्टनरशिप फर्म जो मेरी, उसने फर्म खोल रखी ए और बी, उसके पास कम से कम 20 लाख रुपए थे. तो ए ने कहा क्यों ना मैं फर्म से 2 लाख रुपए ले लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ. तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? ड्राइंग. मतलब उसने फर्म का पैसा अपने घर के यूज़ के लिए यूज़ किया. और आपको याद होगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही तो बोलता है, बिजनेस एंड द ओनर आर द टू डिफरेंट एंटिटी. क्लियर है? ओके. मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, इट एज पर द एग्रीमेंट, यहाँ पे जो मैंने आपको वो मैंने आपको लिखवाया था, इफ साइलेंट ऑन चार्ज, अगर चार्ज नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये भी मैं आपको बताया था. और इफ इट इज अ चार्ज देन इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब मैंने जो लास्ट में आपको लिखवाया था उसको मैंने इसको संक्षेप में लिख दिया. क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सो ये ड्रॉइंग में इंटरेस्ट क्या होता है? अरे भाई सपोज करो मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनर है, सपोज करो मैं हूँ पार्टनरशिप फर्म और उन्होंने पार्टनरशिप फर्म का नाम रखा ए बी एंड सन्स. नाउ एक बात बताओ, ए बी एंड सन्स उन्होंने नाम तो रख दिया, अब वो पार्टनरशिप फर्म है. नाउ ए को रिक्वायरमेंट आ गई 2 लाख की रिक्वायरमेंट आ गई अर्जेंट अपने घर के अंदर प्राइवेट यूज के लिए, तो ए पहले कहाँ जाएगा, अपना सेविंग अकाउंट यूज करेगा, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या बोलेगा, अपने बिजनेस के पास आया, मैं हूँ बिजनेस ए बी एंड सन्स, मैं हूँ, मैं, उसने कहा मुझे 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, मैंने कहा लेके जा, मेरे पास 15-20 लाख रुपए पड़े हुए हैं बिजनेस के अंदर, लेके जा अपने जो भी तेको इलाज कराना करा दे, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको, अगर अपने डॉटर की स्कूल फीस पे करनी है या अपने बच्चे का एडमिशन कहीं कराना है, जो भी रिक्वायरमेंट हो, या अपनी वाइफ की तबीयत खराब है, वॉट एवर जो भी करना है वो कर सकता है. पर वो बिजनेस का पैसा लेके गया ना प्राइवेट यूज के लिए, और बिजनेस का अगर प्राइवेट यूज लेके जाएगा तो मैं बोलता हूँ ड्राइंग. तो पैसा 2 लाख रुपये लेके चला गया. एक बात बताओ, मैं हूँ बिजनेस और वो है ओनर, दे आर टू डिफरेंट एंटिटी, राइट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. तो मैं वो पैसा लेके गया तो क्या मैं उससे इंटरेस्ट नहीं लूंगा? मैं बिजनेस हूँ ना, तो मैं बोलूँगा भाई तू 2 लाख रुपए लेके, भले ही वो ए का बिजनेस हो तो भी क्या हुआ, ए और बी ओनर है तो मैं हूँ बिजनेस, मैं बोलूँगा देख तू पैसा लेके जा रहा है 2 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए मैं तेरे से इंटरेस्ट लूँगा, मैं तेरे से इंटरेस्ट लूँगा. क्यों? क्योंकि मेरे लिए अब ये इनकम होगी, मैं तेरे को 2 लाख, मैं किसी को अगर रुपये दूंगा तो मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा. क्लियर है? तो आई विल टेक द इंटरेस्ट फ्रॉम हिम, तो इट विल बी माय इनकम, इट विल नॉट बी माय एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज माय इनकम, ये फर्म के लिए इनकम ही होती है. ओके, यहां पे लिख दूं, लिखने की जरूरत क्या है, ये तो इंप्लाइड है, ऑलवेज इनकम, मतलब ये इनकम ही होती है. अच्छा, अब सर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो एज पर एग्रीमेंट, बस कुछ नहीं सोचना, एग्रीमेंट तो पत्थर की लकीर हो गया, एज पर
एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में लिख दिया वो। और अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी, अरे नहीं लिखा हुआ ना कुछ भी, तो कुछ नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट टू बी गिवन, कुछ भी नहीं मिलेगा। नो आई एम सॉरी, नो इंटरेस्ट टू बी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी टेकन। कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं चार्ज नहीं कर सकता, उनसे ले ही नहीं सकता इंटरेस्ट। क्यों? अरे एग्रीमेंट में लिखता तो होता ना, तो ए ने विड्रॉ किया 2 लाख रुपए अपने घर के लिए, डिस्प्यूट हुआ, बी ने बोला इंटरेस्ट चार्ज करो उससे, ए से भाई दो पार्टनर है ना, तो ए बिजनेस का पैसा लेके गया तो बी को ऑब्जेक्शन होगा, क्यों लेके जा रहा है बिजनेस का पैसा भाई, मैं और मेरे फ्रेंड ने, मेरा फ्रेंड 2 लाख रुपये बिजनेस का लेके चला गया अपने घर के यूज़ के लिए, फॉर वॉट एवर यूज़, वो कोई ट्रैवल करने चला गया कुछ भी यूज़ के लिए, मैं बोलूँगा यार तू इंटरेस्ट तो दे कंपनी को, मैं मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है। बी बोलता है मैं नहीं दूंगा, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, तो डिस्प्यूट हो गया। पहले एग्रीमेंट में जाओ, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो मिलेगा, मैं उससे लूंगा इंटरेस्ट। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5% इंटरेस्ट लेना है, तो मैं उससे 5% इंटरेस्ट लूंगा, राइट। अगर एग्रीमेंट में लिखा 10%, 10% इंटरेस्ट लूंगा, क्लियर। पर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ ही नहीं है, तो मैं उससे 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं ले सकता। तो मतलब अगर बी विड्रॉ कर रहा है 10 लाख रुपये, विड्रॉ कर रहा है 2 लाख रुपये, विड्रॉ कर रहा है, तो मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म आई कैन नॉट आस्क इंटरेस्ट फ्रॉम हिम, इनकम नहीं ले सकता। बट इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा। अच्छा बताओ, अब मुझे आपका कॉमन सेंस चेक करता हूं, एज पर एग्रीमेंट क्या ये प्रॉफिट के केस में मिलेगा या लॉस के केस में भी मैं उससे ले सकता हूं इंटरेस्ट? क्या ये प्रॉफिट के केस में भी होगा या लॉस के केस में भी होगा? मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, या लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा? कैसे सिस्टम हम ये करेंगे, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का किया? अरे भाई सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है या नहीं होता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो उससे चार्ज का क्या मतलब है? मतलब मेरी तो इनकम है, मुझे प्रॉफिट और लॉस हो उसको आपको क्या लेना देना, आपको तो पे करना है। सपोज करो, अगर मान लो मैं आपको ये मैं आपको कुछ सर्विस देता हूँ, मैं आपको कुछ सर्विस देता हूँ और मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है। चलो मैं आपको सोचा, मैंने आपको ये पेन ड्राइव बेचा, मैंने आपको पेन ड्राइव आपको सेल किया, अपने लेक्चर का सेल किया, और मुझे लॉस, मुझे अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो क्या मैं ये बोलूँगा आप मुझे पैसे मत दो? मुझे क्या, मुझे तो जब मुझे किसी से पैसे लेने होते हैं तो मुझे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हो उसमें आपको क्या मतलब है? एग्जैक्टली अगर सपोज करो मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, किसी को सर्विस दे रहा हूँ, तो उससे मैं पैसे लूंगा ना, मेरी तो इनकम है, तो इनकम तो मुझे आनी है, क्या मुझे प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब ही नहीं है? तो ऑलवेज ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा कहाँ जाएगा, इट विल ऑलवेज ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अरे भाई ये पार्टनर का खर्चा है ना? हाँ सर, खर्चा पार्टनर का है, और जो पार्टनर का खर्चा होता है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में भी होता है, तो वो चार्ज तो होने का सवाल ही नहीं उठता। ये हमेशा ध्यान रखना, चार्ज जो होता है वो एक्सपेंस के लिए होता है, जो इनकम होती है तो कंपनी को, वो तो पार्टनरशिप हमको मिलेगी मिलेगी। तो एक बार ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल ऑलवेज गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज ये चार्ज और नॉट चार्ज का तो कंसेप्ट आता ही नहीं है, वो कंसेप्ट आता है एक्सपेंस पे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखा हुआ है, एक्सपेंस इज अ चार्ज अगेन द प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे पार्टनर का एक्सपेंस होगा या इनकम होगा उससे कोई मतलब नहीं है, पार्टनर के खर्चे सारे या इनकम सारे खर्चे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही जाएंगे, ये बात पक्की है। बट अगर वो चार्ज हो गया तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर यहाँ पे तो चार्ज होने का मतलब ही नहीं है। अरे वो चार्ज तो तब होता है जब खर्चा होता है, जब फर्म का खर्चा होता है, तब हम देखते हैं कि हम लॉस के किसमें पे करेंगे नहीं करेंगे। अरे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, पर मुझे तो पैसा आ रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज माई इनकम, तो इनकम के में कभी चार्ज नहीं देखते। अच्छा ये पार्टनर का खर्चा है तो हमेशा कहां जाएगा, अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। एग्रीमेंट में कुछ भी लिख दिया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। पर एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो तो, अरे नहीं लिखा तो यहां जाएगा, मतलब नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट भी हो गया। नाउ मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन।
अगर पार्टनर ने लोन दिया, मतलब पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, तो हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे या मैं इंटरेस्ट लूंगा उससे, मैं पे करूंगा या लूंगा? अरे मैं उसको इंटरेस्ट मैं उससे, अगर मुझे, अगर सपोज करो मुझे पार्टनर ने मुझे लोन दिया तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा ना, मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। क्यों दूंगा इंटरेस्ट मैं उसको? क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए हैं। और अगर बिजनेस ने किसी ने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि एग्रीमेंट क्या बोलता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, ये आपको समझना है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे? सी पार्टनर, पहले पता आपको लोन का मतलब समझ में आया? लोन और कैपिटल में आपको डिफरेंस समझ में आता है? नहीं। सी कैपिटल वो होता है जो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है हमेशा के लिए, विद द इंटेंशन वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। बट व्हाट इज द लोन? पार्टनर जब फर्म को लोन देता है वो कुछ टाइम के लिए देता है, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए या 6 महीने के लिए देता है लोन। क्यों देता है लोन? फर्म को रिक्वायरमेंट है अर्जेंट और पार्टनर्स को, वो पार्टनर के पास पैसा पड़ा वो दे सकता है। एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी और सी, मैं इसको रब करना चाहूँगा, इसको रब कर लूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए। मैंने क्या कहा आपको कि सपोज करो 3 पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है, मतलब तीनों का जो शेयर है वो इक्वल है। नाउ हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, कि इनके पास सपोज करो तीनों ने 1-1 लाख रुपए बिजनेस में डाले, 1 लाख इसने डाला, 1 लाख इसने डाला, 1 लाख इसने डाला, क्या डाला? कैपिटल डाला। अब हुआ क्या, उनको एक बड़ा स्टेप लेना है बिजनेस को, एक बड़ा स्टेप लेना है। उन्होंने बिजनेस का नाम रखा ए बी सी एंड सन्स रखा, और उनको बड़ा सा एक स्टेप लेना है, बड़ा सा एक कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं पे कोई नई फैक्ट्री खोलनी है। अब हुआ क्या कि पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है, बिकॉज ए ने डाला 1 लाख रुपये, बी ने 1 लाख रुपये, सी ने 1 लाख रुपये, है ही नहीं पैसे। तो अब क्या करेगा बिजनेस, क्या करेगा बिजनेस? बैंक के पास जाएगा, मुझे लोन दे दो। तो बैंक ने कहा हम तो लोन नहीं दे सकते, अब मैं क्या करूँगा? तो अब बिजनेस ने बोला ए और बी को, सी को पूछा तुम्हारे पास और पैसे हैं क्या? भाई 3-3 लाख रुपये है ना, 1-1 लाख रुपये 3 लाख रुपये ही है, और मुझे सपोज को 10 लाख रुपये की और रिक्वायरमेंट आ गई है, तो मैंने कहा कोई और पैसे हैं क्या? तो बी के पास थे पैसे, बी के अकाउंट के अंदर, अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे थे। भाई सबके पास अपने अपने पैसे होते हैं, ए के पास भी होंगे, बी के पास भी, सी के पास भी होंगे, पर बी के पास 10 लाख रुपये थे। पर बी ने बोला देखो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ, किसको बोला? पार्टनरशिप फर्म को, मैं दे सकता हूँ, पर ये कैपिटल नहीं है, बिकॉज एक बार कैपिटल बिजनेस में आ गई तो हम एज्यूम करते हैं वो हमेशा के लिए होती है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा अगर वो ड्राइंग करेगा एक्सेट्रा। बट उसने कहा मैं तुम्हें पैसे तो देने को तैयार हूँ, बट मैं एज अ लोन दूंगा, मतलब तुम मुझे 6 महीने में वापस कर लेना पैसे। ये मतलब अगर मैं 10 लाख रुपये दे रहा हूँ बिजनेस को, मैं ए बी सी एंड सन्स हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर है, 1-1 लाख तीनों ने इन्वेस्ट किया, बी ने कहा मेरे पास पैसे 10 लाख रुपये मुझे और चाहिए, मैं हूँ बिजनेस, मैंने कहा दे दो या कोई पैसे दे दो, बी ने कहा मैं दे दूंगा, पर मुझे ये मैं तुम्हें 6 महीने के लिए 2 साल के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के बाद मुझे वापस करना, और ये कैपिटल नहीं है। तो अब क्या हुआ, बी ने मुझे लोन दिया, मैं हूँ फर्म, तो मेरे को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई लोन को फ्री में तो ही देता है, फ्री में देता है क्या लोन? नहीं देता। तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, क्यों फिर वो फ्री में क्यों नहीं देगा, उसकी तो फर्म है। अरे फ्री में क्यों देगा यार, एक बात बताओ, फर्म के 2 और भी तो मालिक है, ए और सी, तो ए और सी को भी तो फायदा हो जाएगा अगर वो लोन फ्री में देगा। तो बी बोलेगा मैं तुम्हें लोन दूंगा, इंटरेस्ट पे दूंगा, किस पे दूंगा? इंटरेस्ट पे दूंगा। अगर सपोज करो बी मुझे नहीं देके बैंक में जमा कराता तो क्या होता, उसको इंटरेस्ट मिलता ना, मिलता ना इंटरेस्ट, बस वही तो बात कर रहा हूँ। तो बी ने फर्म को लोन दे दिया, तो फर्म उसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी, और जब फर्म इंटरेस्ट देगी तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म इंटरेस्ट देगी, राइट, तो उसके लिए खर्चा। अच्छा, तो अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट कितने रेट पे मिलेगा? पर अगर एग्रीमेंट में लिख दिया तो एज पर एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो फॉलो होगा, मैंने आपको कही था, जो मैंने आपको अभी लिखवाया भी था, हाँ सर, तो एग्रीमेंट में लिख दिया तो वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वो एग्रीमेंट में लिख दिया 12% में मिलेगा, तो 12% मुझे इंटरेस्ट उस पार्टनर को बी को पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है 20%, तो 20% पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लिखा हुआ है 2%, तो 2% पे करूंगा। जो एग्रीमेंट में लिख दिया वो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। बट अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है
तो क्या करूंगा, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो क्या करूंगा। सर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। अरे अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो मिलेगा, पार्टनरशिप एक्ट में जाऊंगा। पार्टनरशिप एक्ट, पहले डिस्प्यूट हो गया, एग्रीमेंट में गया, एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार्टनरशिप एक्ट में गया, एक्ट में लिखा हुआ है मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस यही एक एक्ट में लिखा हुआ है, बाकी सब के लिए उसने नो 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 लिखा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ना ना ना, ना सैलरी ना कमीशन, बट अगर लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन। सर क्या रेट पे मिलेगा, 6% पर एनम, मतलब 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, बस एक यही कंडीशन है पूरे उसके अंदर एग्रीमेंट में, जहां पे रेट डिफाइन है किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन फर्म के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% तो 10% देंगे, बिकॉज पहले एग्रीमेंट फॉलो होगा, 20% तो 20% देंगे, लिखा हुआ है 2% तो 2% ही देंगे, फिर 6 नहीं देंगे। पर अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इंटरेस्ट क्या देखेंगे हम, डिस्प्यूट हो गया, हम जाएंगे एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे, और पार्टनरशिप एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है भाई कि 6% देना ही पड़ेगा आपको, बाकी सब केस में नो 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 लिखा हुआ है, नो 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन जो मैं बोल रहा हूं, पार्टनर का लोन टू बी गिवन 6% पर एनम। ओके, एक ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, 6%। क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा पार्टनर का, पार्टनर ने लोन दिया तो आप क्या लिखोगे, अरे 6% मिलेगा, क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब है कि एग्रीमेंट साइलेंट है, इसका मतलब 6% मुझे देना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं इसी का रिलेटेड, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पार्टनर का लोन एज पर एग्रीमेंट होगा, बट ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। सर क्यों, आपने तो लिखवाया था सारे पार्टनर के खर्चे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हाँ मैंने लिखवाया था, बट एक एक्सेप्शन है, पार्टनर ने अगर मुझे लोन दिया और अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लोन पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो वो जाएगा हमेशा एज पर द एग्रीमेंट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो लॉस क्या कंपनी को वो हमेशा चार्ज ही होगा, मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उससे कोई मतलब नहीं है। द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट टू द पार्टनर, दे हैव टू पे, एंड इफ इट बिकम अ चार्ज, इट ऑटोमेटिकली बिकम अ चार्ज, तो अगर वो हमेशा क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या एग्रीमेंट में लिखा हो या नहीं लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लिखा होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, नहीं लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब लिखा हुआ है कि ये चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही जाएगा, नहीं लिखा हुआ चार्ज है या नहीं है, अगर इंटरेस्ट की बात होती तो एप्रोप्रिएशन में जाता, पर इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, पार्टनर का सिर्फ एक खर्चा ऐसा है, जब वो साइलेंट भी होता है एग्रीमेंट, तभी भी कुछ भी नहीं लिखा हो एग्रीमेंट में, तो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। ये बात ध्यान रखना, बस ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पता है ऐसा कंडीशन क्यों डाली, इसका लॉजिक समझो, भी कोई पार्टनर मुझे लोन दे रहा है अपने पर्सनल सेविंग के लिए, तो वो चाहेगा उसको इंटरेस्ट मिले हमेशा, क्या बिजनेस को लॉस हो प्रॉफिट हो। अगर इतना ही था, अगर उसको रिस्क लेनी थी तो वो एज अ कैपिटल डालता, पर नहीं, उसने लोन दिया मुझे, इसका मतलब उसने मुझे फेवर किया, तो मैं उसको इंटरेस्ट तो पक्का ही दूंगा, क्या मुझे लॉस होगा प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन ऑलवेज ऑलवेज एज पर द एग्रीमेंट एंड इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे भी होगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी 6% जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब फटाफट हम रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में मेंशन है एज पर एग्रीमेंट, नहीं मेंशन है साइलेंट है, डिस्प्यूट हो गया, जाओ एग्रीमेंट के जाओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। चलो आपको बताया ना मैंने, इतना याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस कुछ नहीं करना, डिस्प्यूट हुआ, गए हम पहले एग्रीमेंट में गए,
उसके बाद भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गए और उसके बाद भी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तो हम कोर्ट में गए। चलो बताओ मुझे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा तो उतना मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे आई एम सॉरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो वैसे ही मिलेगा, 2:1, 3:1 जो भी रेशियो मिलेगा वो मिलेगा, 1:1, 1:1, और अगर कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, डिस्प्यूट हो गया ना इक्वली। अच्छा उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर डिस्प्यूट हो गया मिलेगा नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या, हाँ सर लिखा हुआ है, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। सर अगर प्रॉफिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर वो चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, मतलब अगर वो लॉस होगा तो भी मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और अगर वो चार्ज नहीं है मतलब वो प्रॉफिट हो या लॉस प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा ये एज्यूम करते हैं, इफ साइलेंट है तो हम ये एज्यूम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। सर सैलरी सेम क्वेश्चन, कमीशन सेम पॉइंट, क्लियर है। और अगर सर नहीं लिखा हुआ एग्रीमेंट में तो कुछ नहीं मिलेगा यार, नो सैलरी नो इंटरेस्ट नो कमीशन, कोई भी खर्चे नहीं मिलेंगे पार्टनर्स को। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो मिलेगा और नहीं, मैं उससे चार्ज लूंगा और वो हमेशा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जाएगा क्योंकि मेरी इनकम है। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो कोई इंटरेस्ट में पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकता। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया है, पार्टनर ने मुझे लोन दे दिया तो उसको मैं इंटरेस्ट पे करूंगा और वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 10% तो 10% मिलेगा, 20% तो 20% मिलेगा, पर अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा 6% मिलेगा और दोनों केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा भले ही ये खर्चा पार्टनर्स का हो, क्लियर है। अच्छा अब मैं इसको फटाफट मैं आपको इसको जो है ना इसको जो आपको मैंने पॉइंट बताया मैं वो कर देता हूं। अकाउंट में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका तो मतलब ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमेशा यहाँ पे जाएगा भाई, बिकॉज जो भी प्रॉफिट डिवाइड होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही होता है। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट या सैलरी या कमीशन, या कमीशन वो कहाँ जाएगा, देखो अगर साइलेंट हुआ क्वेश्चन में साइलेंट हुआ, अगर वो चार्ज हुआ तो यहां जाएगा, अगर वो चार्ज हुआ तो यहां जाएगा, इफ चार्ज यहां जाएगा, और इफ एप्रोप्रिएशन या और इफ साइलेंट तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। मतलब अगर साइलेंट है तो वो क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ ही है, मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिलेगा ही मिलेगा, क्या होगा जो एग्रीमेंट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिवाइड होगा प्रॉफिट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन कुछ भी हो जाए अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा या एप्रोप्रिएशन में जाएगा। सर अगर वो चार्ज होगा तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर वो चार्ज नहीं एप्रोप्रिएशन है तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट के केस में ही मिलेगा। अच्छा तो सर ये तो हो गया, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो ना मुझे प्लीज़, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके ऑलवेज ऑलवेज इट विल गो ऑलवेज, इट विल नेवर एवर गो टू दिस, इट विल ऑलवेज गो टू दिस, मतलब हमेशा यहाँ ही जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरी इनकम है पार्टनर का खर्चा है। अच्छा सर लास्ट बता दो ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चलो ठीक है ये भी बता देता हूँ, पार्टनर का लोन तो वो कहाँ जाएगा, वो भी मैंने आपको बताया था हमेशा यहाँ जाएगा, यहाँ पे कभी नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, कभी नहीं आएगा पार्टनर्स का पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट होता है वो कभी नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में।
तो ये दो बातें तो आपको याद है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा कुछ भी हो जाए, और पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नहीं है तो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा अगर वो साइलेंट हो तो। क्लियर है? तो ये तो हो गया मेरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, मैंने आपको इसकी जो भी कंडीशन है ना वो मैंने आपको बता दी। सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका आगे जाके जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसका मैं कम से कम मेरे ख्याल से हर क्वेश्चन में इसका रेफरेंस हो गई होगा, पर इतना याद करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बस मन में सोचो प्रॉफिट एग्रीमेंट में एक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, मैं एक्ट की बात कर रहा हूं, इक्वली। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा चुपचाप, और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। बस यही तो आपको यही तो याद करना है, कुछ याद ही नहीं करना। बस 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, एंड इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लिखो, एक सेपरेट पेज पे लिखो और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जब भी आप रिविजन करो तो यू हैव टू रेफर दिस। वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू मैंशन इज दैट एनी रेंट विच इज पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब अगर पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी अपनी पार्टनरशिप फर्म को दी, तो पार्टनरशिप फर्म जो उसको रेंट पे करेगी ना पार्टनर को, वो क्या बन जाएगा, वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होगा। मतलब क्या पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो रेंट मुझे पे करना ही पड़ेगा पार्टनर को। तो अगर ये चार्ज बन गया तो अब ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बिकॉज एनी एक्सपेंस विच इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब वो वाले एक्सपेंस जो मुझे पे करना ही है, क्या पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो बन जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ध्यान रखना पार्टनर से रिलेटेड कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकते हैं। पहला, एक तो है इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर लोन, मैंने आपको बताया था ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा चार्ज रहेगा और इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड, कौन सा, रेंट पेड टू द पार्टनर। अगर मान लो मैंने पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को रेंट पे दी, तो पार्टनरशिप फर्म उसको रेंट पे करेगी इररेस्पेक्टिव पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो भी बन गया चार्ज बन गया, राइट। तो ये दो चार्ज तो कंफर्म है। तीसरा, कोई चार्ज क्या हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सी, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ और अगर एग्रीमेंट में ही लिख दिया कि ये चार्ज है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सैलरी, एग्रीमेंट में लिख दिया कि ये चार्ज है, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों केस में मुझे पे करना है, तो भी वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, सिर्फ पर ये लिखा हुआ है कि सैलरी पे होगी, तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विथ ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विथ ओनली वन इंटेंशन, कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूँ। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे, देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चन हैं, क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं, एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन, एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं, एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी progress track कर सकते हैं, plus you will get this amazing flashcard जहाँ पे मैंने 100% syllabus coverage किया हुआ है, in key points in over 30 flashcard जो आप अपने room पे stick कर सकते हैं, so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test. See, अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्यूरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168, और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा।
मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरा लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सीए दीपक ललवानी, सी यू ऑन द अदर साइड।